विसर्जन करेंगे ना। Thank you.
लाइट तो छोड़ दो, मोबाइल तो छोड़ दो, लाइट कवर हो रहा है। सर आप क्या कहना चाहोगे? बस पापा की कृपा है कि ऐसे वो आए, इतने प्यार से आए, ये 10 दिन पता भी नहीं चला, सारी यूनिट ने इतने प्यार से लोग सबने प्रेस करे, साथ में रहे, तो बिल्कुल एक त्यौहार की तरह था, बिल्कुल तो होता ही है। बट हम जानते हैं पापा की साथ वापस पापा के साथ और हम सब ऐसे बैठे रहेंगे तीनों और बात कर रहे होंगे, ये मुझे पता है पापा ये हमें आशीर्वाद देने वाले कि ऐसे हम तीनों से आप पूछोगे कपड़े चेंज कर लेंगे तो ये ऐसी हमारी सेम यूनिट रहेगी, सेम लोग रहेंगे, ऊपर का दुआ होगा। एंड थैंक यू। नहीं, ये हमारे हर सेट पे है और ये आज मैं बहुत खुश हूँ कि ना जैसे रूपाली जैसे लोग हैं, इंसान हैं जो यू नो ये जो शुरू से मतलब ये तो अभी बहुत हाइलाइट में आ रहा है, बट मैं तो रूपाली को इतने सालों से जानता हूँ, 15, 16, 17, 18, 19 साल से, कि शुरू से बहुत एक ना जो हमारी बहुत अच्छी वाइबिंग है कि हमें बहुत लगता है कि बेजुबानों की आप केयर करो, बिकॉज मेरा हमेशा मानना है, मैंने जैसे बोला रूपाली का हमेशा मानना है जो हमारे शो में बरकत है और मेरा मानना है जो हमारी कंपनी में बरकत है वो बिकॉज बेजुबानों की, जानवरों की जो बोल नहीं पाते उनके जब हम देखभाल करते हैं, प्यार नहीं भी कर सकते तो उनकी तरफ आप रोल ना सकते, उनको तंग मत कीजिए, पानी दे दीजिए, कभी धूप है तो उनको थोड़ा शेल्टर दे दीजिए, उनकी कृपा की वजह से ही DKP शाही है, शाही प्रोडक्शन है, आयशा ही है, और मुझे खुशी है कि रूपाली और बहुत सारे हमारे सेट पे इशिका शाही ने ये डिज़ाइन किया, पूरा थीम अच्छा, अच्छा लगा, बस ऐसे ही करिए और यही रीज़न है बरकत का। तो पूछे ना कि कैसे अनुपमा शो हिट होता है, बोला वो बेजुबान और ऊपर वाला जो दुआ देता है उसके वजह से, और बाकी हम लोग कुछ नहीं है, मौका नहीं छोड़ते कि चाहे वो अनुपमा शो में हो, हम लोग चाहे पिछले 3 साल पहले भी हमने जब श्राद्ध की पूजा वगैरह की थी उसमें भी कहा था कि सिर्फ एक ही दिन जाकर आप गौ माता को या कौए को या जानवरों को मत खिलाइए, आप पूरे साल खिलाइए, जो पितरों के लिए आप खिलाते हैं वो पूरे साल खिलाइए। और अभी कॉफ़ी आ गया है हमारे शो में, जो हमारे सेट का बच्चा, ऐसा नहीं कि कोई ट्रेंड किसी को लेकर आए हैं बाहर से ये वो करके, बट कॉफ़ी इज़ आ सेट का बच्चा और उससे वैसे ही एक्टिंग करवा दें, प्यार से लाड़ कर करके, बहुत मेहनत है कर करके, सबसे बड़ा सुपरस्टार वही है पूरे अनुपमा का, और सबसे ज़्यादा आई थिंक आपको उसी के पीछे मेहनत करनी पड़ती है कि बड़े लाड़ करते हैं उसके, एंड कावेरी माता आई है। हम ये देखते हैं कि इको फ्रेंडली विसर्जन भी होता है, ऊपर आप क्या कहना चाहिए, एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द डे, सर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, वो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, बहुत ज़रूरी है, आस्ते आस्ते इरिस्पेक्टिव आप कोई भी रिलीजन के हो, बट इरिस्पेक्टिव कोई भी त्यौहार हो, हमें थोड़ा साउंड पोल्यूशन यू नो इको फ्रेंडली क्रैकर्स सबका ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले ज़माना अलग था, 100 साल पहले 80 साल पहले 90, वक्त के जाने के बाद हमको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, सेंटिमेंट्स इमोशंस हर त्यौहार के साथ है, बट अभी थोड़ा सेंसिबल रहना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहने वाला हम सबके पास है। तो वो थोड़ा एक अच्छे दिमाग से, थोड़ा सद्बुद्धि से हर इंसान को सोचना चाहिए फॉर द प्लैनेट। अच्छा है, बस गणपति पप्पा ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे हर साल, वही डिसाइड करते आने को और ऐसे ही आते रहेंगे हर साल। गणपति पप्पा धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को यहाँ आने के लिए, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग।